हॉस्पिटल्स में भी ये मेडिसिन यूज होती है, मॉर्फिन हो गया, फेंटा हो गया, ट्रामाडोल हो गया ना, तो एक का क्या यूज होता है वो आपको बता देता हूं। जब हमारी सर्जरीज होती है किसी पेशेंट्स के ना, तो उसमें मॉर्फिन का यूज होता है ना, बिफोर सर्जरी आपको मॉर्फिन चढ़ाने के लिए देना होता है। तो किस पेशेंट को कितना मॉर्फिन दिया गया उस सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है हॉस्पिटल में। डीआई का नाम सुनो आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब डॉक्यूमेंटेशन मॉनिटरिंग करने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में। तो इस पेशेंट को कौन सा नार्कोटिक दिया गया है, किसके सामने दिया है, कितनी स्ट्रेंथ में दिया है, और अगर नार्कोटिक बच गया है, अगर नार्कोटिक बचा है वो कितनी क्वांटिटी में बचा था और किसके सामने डिस्कार्ड किया गया है, उस डिस्कार्ड क्वांटिटी को भी डॉक्यूमेंट करना होता है हम लोगों ने। ठीक है, एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में सब चीजें मेंशन होती है कि यार ये नार्कोटिक इतना इस पेशेंट को गया था, ये हमने स्टोर करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कुछ गाइडलाइंस हमारी एंटीबायोटिक्स पॉलिसी की बनती है, उनमें भी होता है। आपको पता है भी एक सर्वे हुआ है मैक्सिमम एंटीबायोटिक कंजप्शन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। तो एंटीबायोटिक अननेसेसरी लेना अच्छी बात है गलत बात है? मिसयूज जितना एंटीबायोटिक का होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उतना बढ़ता चला जाएगा। तो बीइंग ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट फ्यूचर में आप भी होप सो 99% में आज से 8-10 बच्चे तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बनेंगे होप सो, है ना। बी अलर्ट, अच्छे से समझना क्लास को, पूरा इंटरव्यू सेशन यही आपका है। कोई भी आपका इंटरव्यू होगा तो यही चीजें पूछने वाला है इंटरव्यू में, एक भी चीजें आपसे अलग नहीं पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में जितने भी एकेडमिक्स हमारे होते हैं, जैसे अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है तो उसके प्रोटोकॉल्स में हम लोग ही बनाते हैं ना कि उसको क्या क्या सिखाना है ड्यूरिंग इंटर्नशिप, क्या क्या वो टॉपिक सीखना चाहता है, इन फ्यूचर में उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो ये सब आपका एक मैंने रफली आइडिया दे दिया है कि आपको क्या क्या हॉस्पिटल्स में सीखना है। ठीक है, नाम सुना होगा सबने, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये हमारी बॉडी होती है, जैसे पीछे होता है ना बोर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल को रन करने के लिए एनएबीए आपका होना ही चाहिए। मेडिकेशन एरर, अब चलते हैं मेडिकेशन एरर पे, आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। मेडिकेशन एरर क्या होता है बताओ, ये आइडिया स्लाइड में दिख ही रहा होगा, व्हाट इज मेडिकेशन एरर। एनी प्रिवेंटेबल इवेंट में मोस्ट लीड या इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, किसी भी दवाई का, किसी भी दवाई से कोई भी हार्म हो सकता है ना, तो प्रिवेंटेबल भी हो सकता है, अनप्रिवेंटेबल भी हो सकता है, कभी बहुत रेयर होता है ना। तो मेडिकेशन एरर क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को दवाई दी हमने, है ना, दवाई देने के बाद दे दिया आराम क्या, किसी पेशेंट को दवाई दी ही नहीं और किसी को दे दिया तो इतना दे दिया कि उसकी भी कोई लिमिट नहीं, तो ये सबको बोलते हैं मेडिकेशन एरर। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना था, कुछ भी प्रिस्क्राइब किया और इसका आपको समझ ही नहीं आया कि प्रिस्क्राइब किया हुआ एक्चुअल में, वो भी मेडिकेशन एरर होता है। अभी आगे मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। नेक्स्ट सर्वे ऑफ मेडिकेशन एरर, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5.2 मिलियन मेडिकेशन एरर इंडिया एनुअली, इतने मेडिकेशन एरर होते हैं इंडिया में एनुअली। तो इसलिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट का रोल इसलिए भी जरूरी है इन सब को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब प्रोफाइल है, रेस्पॉन्सिबल जॉब प्रोफाइल है, रिस्पेक्ट जॉब प्रोफाइल है और नॉलेजेबल तो है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन है, जो फोटो क्लिक करना चाहता तो कर सकता है कोई भी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन ना आपसे इंटरव्यू में, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर कितने टाइप्स के आपके मेडिकेशन एरर्स होते हैं। तो मैं वन बाय वन इनको डिफाइन भी करूंगा, समझते रहना काफी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन, इंडेंटिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिशन। तो मेजर 5 टाइप के आपके मेडिकेशन एरर होते हैं जो आपसे, जो आपका रोल होता है देखना एक्चुअल में कि आपको क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एरर के बारे में बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट स्लाइड, रिक्वायरमेंट में आपको बता ही चुका हूँ, बहुत सारे चलते रहेंगे। नेक्स्ट मेडिकेशन प्रोसेस बता देता हूँ, पहले ग्राफ से मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कोई पेशेंट एडमिट हुआ,
कंसल्टेंट का नाम सुना होगा ना, सब कंसल्टेंट तो जानते होंगे ना, हॉस्पिटल में कंसल्टेंट होते हैं, फिर उनके नीचे आरएमओ होते हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं उनको ना। तो मेरी आवाज आ रही है सबको ना? सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट एडमिट हो गया, देन कंसल्टेंट आएगा राउंड्स पे, अपने नोट्स डाल के चला जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन, आरएमओ क्या करता है, उसी नोट्स को जो डॉक्टर ने लिखा, उस नोट्स को एक एमएआर शीट्स या मेडिकेशन शीट होती है, उस शीट्स में लिख देता है, कॉपी पेस्ट इसको बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है इधर से उठा के इधर लिख दिया हमने, ठीक है। देन फिर क्या होता है, अभी मेडिसिन लिख चुके हैं, है ना, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मेडिसिन अब लिख चुके हैं तो अब मेडिसिन हमने मंगवाना भी है ना, तो हम सिस्टम से, ये सब सिस्टम प्रोसेस है, ये सारा सिस्टम है चलता है हॉस्पिटल में। आपको ऐसा मैनुअली तो सिर्फ डॉक्टर लिख के चला जाएगा, ये भी अपडेटेड हो रहा है डे बाय डे, शायद नेक्स्ट टू ईयर में सब सिस्टम में होगा, आपको कुछ मैनुअली नहीं दिखेगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ भी ना, क्योंकि अभी टाइम है, 3 साल के बाद ही होगा। तो स्टाफ क्या करेगा, सिस्टम से अपने कंप्यूटर से मेडिसिन को इंडेंट करेगा कि ये दवाई इस पेशेंट को चल रही है, देन वो इंडेंट पहुंचेगा फार्मेसिस्ट के पास। आईपीडी में जितने भी पेशेंट होते हैं उसको आईपी फार्मेसी बोलते हैं, पेशेंट डिपार्टमेंट, ये सारा प्रिस्क्रिप्शन पहुंचेगा फार्मेसिस्ट के पास, ठीक है, वो रिसीव करेगा, वहां से डिस्पेंस कर देगा मेडिसिन को कि ये मेडिसिन हमारे पास आई थी, हमने डिस्पेंस कर दी, देन वो फाइनली हो जाएगी। एक सिंपल सा